अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 जो बिल्कुल इजी चैप्टर है। इसकी हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं 7.1। तो 7.1 में हमने क्या करना होगा, हमें ये कहा गया है कि सॉल्व द इक्वेशंस। हमारे पास इक्वेशंस होंगी, हमने उनको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे सॉल्व करना है। तो दो यहाँ पे चीज़ें हैं, एक है सॉल्व और एक है इक्वेशन। मैं आपको थोड़ा सा इनका बता देता हूँ, देन हम इसका जो इसके पार्ट्स हम स्टार्ट करेंगे। अब इक्वेशन का मतलब सबसे पहले क्या होता है कि जब जो दो चीज़ें आपस में क्या हों, बराबर हों, यानी जब दो चीज़ें आपस में इक्वल हों, यानी मैं कह सकता हूँ कि अगर x प्लस टू इज इक्वल टू 5 है, तो ये जो सिंबल मैंने लगाया हुआ ये किसको शो कर रहा है, इक्वेशन को शो कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि x प्लस टू इज इक्वल टू है 5 के, या 5 इज इक्वल टू है x प्लस टू के। तो ये होती है इक्वेशन के, जब दो रकमों के दरमियान बराबर की अलामत आ जाएगी तो वो हमें कहलाती है, वो इक्वेशन है। ठीक है, अब सॉल्व का मतलब क्या होगा, सॉल्व का मतलब है हमने x का आंसर लाना है। अब x का आंसर कैसे लाएंगे, x के साथ क्या प्लस हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है। तो जब मैं x का आंसर लाऊंगा तो जहरी बात है प्लस 2 को इक्वेशन के इस साइड पे लेके आऊंगा तो वो 2 बन जाएगा। नाउ x इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो इसको हम कहते हैं सॉल्व करना, यानी हमारे पास क्वेश्चंस गिवन होंगे, x के साथ जो नंबर प्लस हो रहा होगा, माइनस हो रहा होगा, डिवाइड हो रहा होगा या मल्टीप्लाई हो रहा होगा, उनको हमने सॉल्व करके x का आंसर लाने की कोशिश करनी होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, हम क्या कर रहे हैं, ये मेरे पास अब x इज इक्वल टू 3 इसका आंसर है। अब अगर हम चेक करना चाहें कि आया ये मेरा जो क्वेश्चन, क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं या नहीं है, यानी हमें कहा जाए कि सर आप कह रहे हैं ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो बताइए ये कैसे बराबर हैं। तो बराबर कैसे चेक होगा, जो आंसर 3 का आया है इसको हमने गिवन कंडीशन में पुट कर देना है। तो x की जगह पे जब मैं 3 पुट करूंगा तो 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। नाउ 3 प्लस 2 कितना होता है 5, तो हम कह सकते हैं 5 इज इक्वल टू 5 विच इज ट्रू। तो इस तरह हमने 7.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट्स हैं ऐसे सॉल्व करने हैं कि जब दो इक्वेशंस आपस में, दो नंबर्स आपस में इक्वल होंगे तो हमने उनको सॉल्व करने और किसी ना किसी तरह हमने एक्स का आंसर आपने एक्स का आंसर लाना होगा। तो अब मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, जबकि फर्स्ट पार्ट इसका है जो 2/3x, 2/3x माइनस 1/2 एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/6। अब ये देखिए आपके पास एक पार्ट है। अब हमने स्टूडेंट्स क्या करने, आपने गौर से समझना है 7.1 के पार्ट्स को, कि जब भी हमें लगे कि कंडीशंस में कोई नंबर डिवाइड में आ रही है तो सबसे पहले आप उसका ले लीजिएगा एलसीएम। मैं फिर कह रहा हूं जितने भी नंबर्स डिवाइड में, क्योंकि ये डिवाइड में डिनोमिनेटर है और जो ऊपर होगा उसे हम बोलते हैं न्यूमिनेटर, तो जो डिनोमिनेटर्स होंगे जितने भी होंगे उनका आप ले लीजिएगा एलसीएम। ठीक है, ये रफ पे ले लें या नेट पे ले लें वो आपकी मर्जी है। तो मैं इसका 3, 2, 6 का, यानी 2, 3 और 6 का मैं ले रहा हूँ एलसीएम। तो किस पे जाएगा, 2 पर 2, 1, 2, 3 नहीं जा सकता, 2, 3, 6 हो जाएगा। देन ये 3 पे जाएगा 1, 1 एंड 1, बिकॉज 3 × 1 इज इक्वल टू 3 ही होते हैं। अब 3 एलसीएम के बाद हम क्या करते हैं, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आंसर आ रहा है, 6 आंसर आ रहा है। तो हम 6 को हर नंबर के साथ, जो ये मेरे पास कंडीशंस बनी हुई हैं चारों की चारों के साथ, मैं 6 से क्या कर लूंगा, यहां पे मल्टीप्लाई कर लूंगा। ठीक है, तो हमने क्या करना होगा 7.1 में, अगर हमें लगे कि कोई नंबर डिवाइड में आ रहे हैं, हमने एक्स का आंसर लाने, उसको हमने सॉल्व करने हैं, तो डिवाइड को सबसे पहले हमने सॉल्व करना होगा। तो डिवाइड को खत्म करने के लिए आप उसका लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा आपने हर नंबर को उसके साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये स्टेप आप, ये मेथड आप याद रखिएगा। अब क्या एलसीएम आ रहा है, 6 आ रहा है, तो 2/3x को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 से, 1/2x को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 से, और x को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 से, और 1/6 को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 से। अब मैं आपको आगे चल के यहाँ पे बताऊंगा कि हमने इसका एलसीएम क्यों लिया है। अब 3 से ये कट हो जाएगा, 3, 2, 6 हो जाएगा, 2 से ये कट हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 6 से ये 6 भी कट होगा। जब मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा तो 2 क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, 2, 2, 4 हो जाएगा, x वैसे का वैसे माइनस
थ्री को एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लें क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, इज इक्वल टू सिक्स मल्टीप्लाई एक्स, सिक्स एक्स हो जाएगा और सिक्स सिक्स से कट हो गया तो यहाँ पे क्या बचा वन। अब देखें बिल्कुल ये इजी कंडीशन बन चुकी है, यानी हमने एलसीएम इसलिए लिया था ताकि मेरे पास जो डिवाइड में वैल्यूज हैं वो आपस में क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, ताकि मेरे पास जो अगली कंडीशन आएगी वो बिल्कुल इजी हो, ये याद रखिएगा आप। अब हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर लेंगे, लाइक टर्म्स हैं, 4x माइनस का 3x आंसर देगा वो x यानी 1x देगा, इज इक्वल टू 6x प्लस 1। अब देखिए ये भी x है ये भी x है, लाइक टर्म्स हैं तो ये 6x यहाँ पे आके माइनस का 6x हो जाएगा इज इक्वल टू 1। अब x में से माइनस 6x निकालेंगे क्योंकि ग्रेटर 6 है ना कि यहाँ पे 1 जो है वो है, तो x में यानी x में से माइनस 6x निकालो तो 5x होगा, 6 के साथ माइनस है ग्रेटर तो ये माइनस इसके साथ रहेगा और इज इक्वल टू 1। अब हमें आंसर लाना है x का, ठीक है, जबकि x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस का 5। तो x के साथ अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा उसको खत्म करने के लिए आप क्या करेंगे स्टूडेंट, माइनस 5 और इधर भी डिवाइड कर लेंगे और माइनस 5 पर इधर भी डिवाइड कर लेंगे, तो x का क्या आंसर आएगा, माइनस 1 बाई 5। तो ये इसका आंसर और सोल्यूशन सेट मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस 1 बाई 5। तो इस तरह हमने ये पार्ट नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया जो बिल्कुल इजी पार्ट था मेरे पास, ठीक है। अब हमने क्या करना होगा, ये सोल्व करने के बाद इसका सोल्यूशन सेट आपने लाजमी लिखना है क्योंकि इस ये लिखने का भी आपको एक नंबर दिया जाएगा पेपर में, याद रखिएगा। तो ये प्रोसीजर कैसे करना है मैं आपको ये बता चुका हूँ, अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं। और अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं जैसे मैंने आपको पहले अभी कंडीशन बताई थी, चेक भी कर सकते हैं कि जो आंसर माइनस 1 बाई 5 आया है इसको 1 बाई 1 जब पुट करेंगे तो तब दोनों का आंसर लेफ्ट और राइट का इक्वल ही आएगा, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। पार्ट नंबर 2 एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 3 ओवर 2 ओवर 3, एक्स माइनस 3 ओवर 3 माइनस एक्स माइनस 2 ओवर 2 एंड इज इक्वल टू माइनस 1 जी। अब देखिए मैंने क्या कहा था कि जब भी हमें 7.1 में लगे कि जब टू नंबर्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो जो डिनोमिनेटर में नंबर्स होंगे उसको आपने उसका एलसीएम लेना है, तो 3 और 2 का जब एलसीएम लूंगा तो क्या आंसर देगा, वो 3 और 2 का आंसर वो 6 देगा, तो 6 को आपने फर्स्ट वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, 6 को आपने सेकेंड वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और 6 को आपने माइनस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। अब 3 2 6 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, वो कट नहीं होता तो वैसे का वैसे। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा हुआ है, 2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 नंबर्स हैं तो ब्रैकेट लगा के ये वैसे का वैसे, यहाँ पे भी 2 नंबर्स हैं ये ब्रैकेट लगा के वैसे का वैसे, और 6 मल्टीप्लाई माइनस 1 तो माइनस का 6। इसको आपने वैसे का वैसे नहीं लिखना, ये दोनों 2, ये जो 2 है x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये 2 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये याद रखिएगा आप। तो 2 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 2x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 6, माइनस 3 मल्टीप्लाई एक्स तो माइनस का 3x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 टू 6 और इज इक्वल टू माइनस का 6। अब देखिए ये भी x और ये भी x आपस में, ये माइनस 6 ये प्लस 6 पहले कट कर लें, अब 2x में से माइनस 3x निकालेंगे तो माइनस का x बचेगा इज इक्वल टू माइनस का 6। जब दोनों साइड पे माइनस हो, याद रखिए दोनों साइड पे जब माइनस हो तो आपस में कट हो जाते हैं, तो x इज इक्वल टू 6। नाउ सॉल्यूशन सेट मेरे पास आ जाएगा 6। अब 6 को गिवन कंडीशन में जब आप पुट करेंगे जहां जहां पे x है तो दोनों आंसर इक्वल देगा, तो इस तरह हमने ये पार्ट नंबर 2 भी इक्वल अप्रूव कर लिए हैं। तो थर्ड पार्ट अब मेरे पास है 1/2 इंटू एक्स माइनस 1 बाई 6 प्लस 2 बाई 3 एंड इज इक्वल टू है स्टूडेंट्स 5 बाई 6 प्लस 1 बाई 3 इंटू 1 बाई 2 माइनस का 3x। हम इसको चेक कर लेते हैं, 1/2 एक्स माइनस 1 बाई 6 प्लस 2 बाई 3 इज इक्वल टू 5 बाई 6 प्लस 1 बाई 3 और 1/2 माइनस का 3x जी। अब देखें मैंने क्या कहा हुआ फर्स्ट टू पार्ट्स में कि जब भी आपको डिवाइड में नंबर्स नजर आए तो हमने उसका एलसीएम लेना है, ओके हो गया। लेकिन क्या मैथ का पहला रूल ये नहीं है, अगर ब्रैकेट लगी हुई हो तो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन होगी, ये भी मैथ का एक रूल है याद रखिएगा। अगर यहाँ पे सबसे पहले कहीं पे ब्रैकेट लगी होती तो मैं ब्रैकेट को ओपन करता, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट थी ही नहीं, ऑलरेडी ओपन था, तो देन मैंने एलसीएम लिया है। तो अगर 7.1 में अगर आपको कहीं पे किसी पार्ट में ब्रैकेट नजर आए तो सबसे पहले आपने ब्रैकेट को ओपन करना है, ये याद रखिएगा। तो 1, अब देखिए यहाँ पे जब टू नंबर्स आपस में डिवाइड हो रहे हो और एक में डिवाइड में ना हो तो जाहिर बात है वहां पे 1 ही होता है। अब न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर
डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा तो 1 मल्टीप्लाई एक्स एक्स हो जाएगा, डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 1 इज 2, माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 1, 2 मल्टीप्लाई 6 इज 12। मैं क्या करूं, ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूं, जब ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो जो बाहर नंबर होगा जाहिर बात अंदर जाके वो मल्टीप्लाई होगा दोनों से। अब देखें ये अकेला है तो ये वैसे का वैसे, ये भी अकेला है वैसे का वैसे, लेकिन इन दोनों नंबर से पहले ये 1/3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 मल्टीप्लाई 1 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 1 मल्टीप्लाई बाय 3x 3x ओवर 3 मल्टीप्लाई 1 3। ये गालबन आपको समझ आ चुका जो जो कंडीशन बिल्कुल इजी है, मुश्किल नहीं है। अब देखिए ब्रैकेट ओपन हो चुकी है, मैं प्लस माइनस भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, तो जो डिवाइड में नंबर्स आ रहे हैं आपने उनका क्या लेना है स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया एलसीएम लेना है, तो एलसीएम किसका लेंगे, पहले 2 का ले सकते हैं, उसके बाद हम सबसे पहले जो लेस नंबर है वो ले लेते हैं 3 और 3, अगर आप चाहें तो ये एक दफा भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि ये 2 टाइम है, 6 भी 2 टाइम है, आप उसको एक दफा लिख लें, 3 भी 2 टाइम एक दफा लिख सकते हैं, लेकिन इसको मैं सारे लिख रहा हूँ, 2 लिख लिया हमने, 3 लिख लिया, और उसके बाद 6 और 12 लिख लेंगे, 6 और 12 लिख लेंगे। अब मैं इसका एलसीएम ले रहा हूँ, तो सबसे पहले लेस नंबर पे जाएगा 2 1, 3 नहीं जा सकता, ये भी 3 नहीं जा सकता, 2 3 6 हो जाएगा, 3 आएगा तो 2 3 6 हो जाएगा, और 2 6 12 हो जाएगा, देन ये फिर 2 पे जा सकते हैं, ये सेम एज इट इज 2 3 6। अब देखिए ये सारे के सारे किस पे जाएंगे, 3 1s आर 3, तो ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ठीक है। अब ये देखिए कंप्लीट हो चुके, अब जब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें कि आंसर आएगा 12। वैसे भी हम चेक कर सकते हैं इनमें से जो डिवाइड में ग्रेटर नंबर होगा ज्यादातर वही एलसीएम में जाते हैं, तो एलसीएम मेरे पास क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, 3 टू 6 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12 होता है। तो अब हम क्या करेंगे, 12 को हर नंबर से क्या कर रही है मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 12 को x बाय 2 से भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 को 1 बाय 2 से भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 को 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस लगाया, 12 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 बाय 3 से भी मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, इज इक्वल टू 12 को हम 5 बाय 6 से भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 बाय 6 को भी 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और माइनस 3x ओवर 3 को भी हम 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये देखिए x बाय 2 को 12 से मल्टीप्लाई, 1 बाय 12 को 12 से मल्टीप्लाई, 2 बाय 3 को 12 से मल्टीप्लाई, 5 बाय 6 को 12 से मल्टीप्लाई, 1 बाय 6 को 12 से मल्टीप्लाई, और 3x ओवर 3 को भी 12 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब कट कर लेंगे, 2 6 12 होगा, 12 से 12 कट हो गया, 3 4 12 हो गया, 6 2 12 हो गया, 6 2 12 हो गया, और 3 4 12 हो गया। ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं कि 3 से 3 कट कर ले, तब भी ये आपकी कंडीशन बिल्कुल ठीक ही हो सकती है। नेक्स्ट अब हम कर रहे हैं जी, अब यहां पे क्या बचा हुआ है, 6 6 मल्टीप्ले x, तो यहां पे 6 x आ जाएगा, माइनस का यहां पे क्या बचा हुआ है जी, 1 माइनस का 1, अब यहां पे 4 बचा हुआ है, तो 4 मल्टीप्ले बाय 2, 4 टू 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब ये देखिए यहाँ पे बचा हुआ 5 टू 10 हो जाएगा, और प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 2 हो जाएगा ये, और 3 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 12x। ठीक है स्टूडेंट, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे लास्ट पे हमने क्या किया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आंसर आ रहा है, वो 12x आ रहा है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, अब 6x माइनस का 12x इधर आके प्लस का 12x हो जाएगा, तो माइनस 1 में प्लस 8 करेंगे तो प्लस का 7 इज इक्वल टू 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12। मैं x को यहाँ पे लेके आया हूँ, ठीक है, 12x को, तो 6x और प्लस का 12x इज इक्वल टू 18x और इज इक्वल टू 12 प्लस का 7, वहां पे जाके क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस का 7 हो जाएगा, तो 18x इज इक्वल टू 12 में से हम 7 माइनस करेंगे तो मेरे पास आंसर वो 5 देगा। अब ax के साथ 18 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको खत्म करने के लिए हम 18 पर बोथ साइड डिवाइड कर लेंगे, ये से कट हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 5 ओवर 18, तो ये मेरे पास सोल्यूशन सेट है 5 ओवर 18। तो इस तरह हमने ये जो पार्ट नंबर 3 है जो बिल्कुल इजी था, इसको भी हमने क्या कर लिया स्टूडेंट्स, कंप्लीट कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, हम मेरे पास पार्ट नंबर 4 है, हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल ईजी है, 1 का 4 पार्ट, x प्लस 1 बाय 3, x प्लस 1 बाय 3 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2 बाय 3, ब्रैकेट क्लोज है, एंड माइनस 6 जी। अब देखिए ये कंडीशन मेरे पास है, एलसीएम है, डिनोमिनेटर है, हमने इसका
इसका एलसीएम लेना है, लेकिन उससे पहले हमने मैथ के रूल के मुताबिक ये जो ब्रैकेट है ब्रैकेट को सोल्व करना है, ये याद रखिएगा आप रूल, ठीक है। तो हम सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व कर रहे हैं, तो x प्लस वन बाई थ्री सेम एज इट इज, यहाँ पे जाहिर बात है वन होगा डिवाइड में, टू मल्टीप्ल एक्स इज इक्वल टू टू एक्स ओवर, अब देखिए यहाँ पे भी वन होगा तो वन मल्टीप्लाई वन वन, माइनस टू मल्टीप्लाई टू फोर हो जाएगा, और थ्री मल्टीप्लाई वन थ्री, और माइनस का सिक्स एक्स वैसे का वैसे। अब हम इसको सोल्व कर रहे हैं, तो x प्लस वन बाई थ्री इज इक्वल टू टू एक्स माइनस फोर बाई थ्री और माइनस का सिक्स एक्स। अब देखिए ब्रैकेट सोल्व हो चुकी है, हमने क्या करना है, जो डिवाइड में नंबर्स हैं वो थ्री और थ्री है, तो थ्री थ्री का एलसीएम क्या आएगा, थ्री ही आएगा, ये देखें थ्री और थ्री का, थ्री वन तो थ्री आंसर आ रहा है, तो थ्री को हमने हर नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, वन बाई थ्री को भी थ्री से मल्टीप्लाई कर लें, टू एक्स को भी थ्री से मल्टीप्लाई कर लें, फोर बाई थ्री को भी थ्री से मल्टीप्लाई कर लें, माने सिक्स एक्स को भी थ्री से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब थ्री एक्स मल्टीप्लाई होगा तो थ्री एक्स प्लस थ्री से ये थ्री कट हो गया तो वन बचा यहाँ पर, टू मल्टीप्लाई बाई थ्री इज इक्वल टू सिक्स एक्स, एक्स हो गया थ्री से थ्री कट गया, बाकी यहाँ पे फोर, सिक्स मल्टीप्लाई थ्री इज इक्वल टू एटीन एक्स। अब या तो अब इन दोनों को पहले प्लस माइनस कर लें, ठीक है, यानी थ्री एक्स प्लस का वन इज इक्वल टू सिक्स एक्स, में से माइनस का एटीन एक्स निकालेंगे तो माइनस का ट्वेल्व एक्स होगा, माइनस का फोर सेम एज इट इज। अब एक्स को यहाँ पे लेके आ जाए, थ्री एक्स माइनस का ट्वेल्व एक्स इधर आके प्लस का ट्वेल्व एक्स हो जाएगा, माइनस का फोर और प्लस का वन वहां पे जाके माइनस का वन हो जाने हैं। नाउ थ्री एक्स में प्लस ट्वेल्व करेंगे तो फिफ्टीन एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस फोर और माइनस का वन, माइनस का फाइव आंसर आ जाएगा। अब हमें भी पता है जब एक्स के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा हमने उसको खत्म करना है, तो इधर भी मल्टी डिवाइड करना होगा और इधर भी डिवाइड करना होगा, फिफ्टीन से फिफ्टीन कट, एक्स इज इक्वल टू फाइव वन फाइव थ्री फिफ्टीन, तो माइनस वन बाई थ्री, तो सोल्यूशन सेट मेरे पास आया जी, माइनस वन बाई थ्री, इसको पुट कर सकते हैं हम गिवन कंडीशन में, तो मेरे पास वो कंडीशन बिल्कुल क्या होगी, ट्रू ही साबित होगी। अब मेरे पास है जी पार्ट नंबर फाइव, सोल्यूशन सेट इसके हैं फाइव है, फाइव एक्स, फाइव इंटू एक्स माइनस थ्री ओवर सिक्स, माइनस के एक्स इज इक्वल टू वन माइनस एक्स बाई नाइन, ठीक है, ये कंडीशन है। आप देखिए यहां पे ब्रैकेट है, लेकिन ये गौर कीजिए पहले जो ब्रैकेट थी वो होल की ब्रैकेट थी, अब मेरे पास ब्रैकेट कहाँ है, न्यूमिनेटर में है। अब चाहे तो आप सिक्स और नाइन का एलसीएम लेके हर नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये अब मेरे ख्याल में आप थोड़ा सा आप इसको मिक्स कर लेंगे, तो बेस्ट वे यही है कि ब्रैकेट को पहले आप ओपन कर लें, जो रूल आपने याद किया हुआ है, तो फाइव को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो फाइव एक्स, माइनस फाइव को थ्री से मल्टीप्लाई किया तो फाइव थ्री फिफ्टीन हो जाएगा, सिक्स सेम एज इट इज, माइनस एक्स भी सेम एज इट इज, और वन माइनस एक्स बाई नाइन भी सेम एज इट इज। अब सिक्स और नाइन का आप एलसीएम ले लीजिए, सिक्स और नाइन यानी जो नंबर डिवाइड में होंगे उसका आपने एलसीएम लेना है, तो ये टू पे जाएगा, टू थ्री सिक्स होगा, नाइन नहीं जा सकता, देन थ्री पे जाएगा, थ्री वन थ्री, थ्री थ्री नाइन हो जाएगा, देन लास्ट पे थ्री पे जाएगा तो थ्री थ्री नाइन, नाइन मल्टीप्लाई टू इज इक्वल टू एटीन, तो हम एटीन का हम इसका ले लेंगे एलसीएम, मल्टीप्लाई कर लेंगे हर एक नंबर से, तो एटीन आ रहा है, 5x माइनस फिफ्टीन ओवर 6 को भी मल्टीप्लाई कर लें 18 से, माइनस x को भी मल्टीप्लाई कर लें 18 से, 1 को भी 18 से, और x बाई 9 को भी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 18 से। नाउ सिंप्लीफाई, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18, तो 5x माइनस का 15 मल्टीप्लाई होगा 3 से, 18 मल्टीप्लाई x तो 18x, 18 मल्टीप्लाई 1 तो 18, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 18 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू माइनस का 2x। अगलबन आपको समझ आ रहा होगा कि 9 को 2 से हमने कट किया, फिर 2 को x की जाहिर बात है मल्टीप्लाई करना है हमने। अब 3 देखिए ब्रैकेट आ चुकी है, और ब्रैकेट भी मैंने क्यों लगाई है, हालांकि ऊपर तो ब्रैकेट थी ही नहीं, क्योंकि अंदर 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं 3 से, तो जाहिर बात है वो 3 हर नंबर से मल्टीप्लाई होगा। नाउ 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 3 15x हो जाएगा, माइनस का 15 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 45, माइनस का 18x भी वैसे का वैसे, और 18 माइनस का 2x ये भी वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम क्या कर रहे हैं, 18x में से माइनस 18x हम 15x में से माइनस 18x निकालेंगे, क्योंकि आपस में माइनस हो रहे हैं, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 3x और माइनस का 2x इधर आके प्लस का 2x हो जाएगा, 18 वैसे का वैसे, और माइनस का 45 उधर जाके स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, प्लस का 45 हो जाएगा, तो माइनस का 3x
और प्लस का 2x, मान x एक्स हो जाएगा 18 में, हम प्लस करेंगे 45 तो आंसर देगा 63। x हमें पॉजिटिव चाहिए होता है, इसमें माइनस है तो वो वहां पे कन्वर्ट हो जाएगा, तो माइनस का 63। ये इसका हो जाएगा सोल्यूशन सेट, माइनस 63। इसको जब पुट करेंगे गिवन कंडीशन में तो ये बिल्कुल ट्रू साबित होगी लेफ्ट और राइट। तो ये मेरे पास आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। 6 है एक्स ओवर थ्री एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 2 माइनस 2x ओवर x माइनस 2 जी, एंड x इज नॉट इक्वल टू, कि x का जो आंसर आएगा वो 2 के इक्वल नहीं आएगा। अब देखिए कहीं पे भी ब्रैकेट नहीं है। अब इसमें दो चीजें हैं, या तो आप 3x माइनस 6 और x माइनस 2 को हर नंबर से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है सर। ये तो एक आपके पास एक मेथड है, अगर आप इसको फॉलो करना चाहते हैं तब भी ठीक है, तो ऐसे हम कर सकते हैं। तो मैं इसी मेथड को फॉलो कर रहा हूं जो मेरे पास पार्ट नंबर 6 है, कि 3x माइनस 6 है इसको आप, और x माइनस 2 को, ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा अगर हम इसको पहले बना लें, कि अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन ले लूँ ना तब ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा। यानी मेरे पास 2 मेथड्स इसके हैं, या तो मैं 3x माइनस 6 को और x माइनस 2 को हर नंबर से क्या कर लूँ, मल्टीप्लाई कर लूँ। ये मेरे पास फर्स्ट मेथड है। अगर मल्टीप्लाई का ये थोड़ा रूल अगर मुश्किल हमें लगे, यानी ये भी और ये भी जब मल्टीप्लाई होंगे ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा वैल्यू चली जाएगी, तो हम क्या कर लेते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहां से देखिए कॉमन में ले रहा हूं 3 को, तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 2, ये वैसे का वैसे। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं गालबन, ताकि मेरे पास जो कंडीशन x माइनस 2 और x माइनस 2 वाली हो ये दोनों सेम है। अगर मैं अब मल्टीप्लाई करूंगा तो इससे भी और इससे भी हर नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, लेकिन जब मैं अब मल्टीप्लाई करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ x माइनस 2 को हर नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा विद 3, लेकिन यहां पे ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, इसलिए अगर एलसीएम में कोई चीज कॉमन अगर आती है तो वो कॉमन ले लीजिएगा, वो हमारे लिए आपके लिए इजी कंडीशन बन जाएगी, याद रखिएगा। अब देखें ये x माइनस 2 और x माइनस 2 दोनों सेम है, तो हम एक दफा कर मल्टीप्लाई करेंगे और 3 भी है, यानी x ओवर, हम इसको यहां पे कर रहे हैं कि x ओवर जो 3 है, ये x ओवर 3 इंटू एक्स माइनस 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स 3x माइनस 2 से, और 2 को भी मल्टीप्लाई करने हमने 2 को मल्टीप्लाई करने हमने 3 एंड x माइनस 2 से, और माइनस इसको हम यहां पे कर लेते हैं माइनस 2x को भी हमने x माइनस 2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये गालबन आपको समझ आ चुका होगा कि मैंने इस वैल्यू को हर नंबर से जो मेरे पास था 2 और x माइनस 2, ये देखिए 2 और x माइनस 2 लास्ट वैल्यू मेरे पास ये है, माइनस 2x और x माइनस 2 को भी ये वैल्यू लिखी मैंने सबसे पहले, इसको मैंने 3x माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, ओके 2 लिखा मैंने उसको 3x माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर, देन ये लिखा और इसको भी मल्टीप्लाई हमने करना है 3 इंटू एक्स माइनस 2 से, x माइनस 2 से ये x माइनस 2 कट गया, ये दोनों आपस में कट गए, तो बाकी बचा मेरे पास x इज इक्वल टू, तो 3 से 3 भी कट गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एक्स हो जाएगा, और 3 टू 6 एक्स हो जाएगा, और 6 एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 2 से, अब ये इसे कट हो गया तो बाकी 3 बचा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये x इज इक्वल टू 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6x माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 12, माइनस का 6x और प्लस का 6x और माइनस का 6x आपस में कट हो जाएंगे, तो x इज इक्वल टू माइनस का 12। तो ये मेरे पास लास्ट पे इसका सॉल्यूशन सेट है, जो पार्ट नंबर 6 बिल्कुल इजी है, जो सोल्व हो चुके हैं।